हेलो दोस्तों, जावेद ट्रैक्टर फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे 5245 मैसी DI फर्गुसन। तो दोस्तों इसका हमें हाइड्रोलिक पंप बाहर निकालना है। दोस्तों तो हमें क्या क्या खोलना पड़ेगा तभी हमारा बाहर हाइड्रोलिक पंप निकलेगा। यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोलिक पंप है। तो सबसे पहले दोस्तों टापा तो उतार लेना है, और ये वाला जो है बुल पिनियन जो शाफ्ट ये चलाता है चक्का दोनों, ये वाला निकाल लेना है हमको। ये वाला जो सापट कुछ इस तरीके से लगा रहता है, इसको निकालने के बाद में दोस्तों पूरा इसका गेराल निकाल लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने गेराल पहले निकाल लिया है, और इसके बाद में इस साइड में जो ये ठिप्पी लगती है इसको निकाल लेना है। यहाँ पे खोल के रखा है हमने ये वाला, और इधर भी लगा हुआ है इसी की तरफ से, इसी के यानी ऐसा जैसा उधर भी लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने खोल लिया है पहले ही। यहाँ पर देखिए खुला हुआ है। अभी इसको निकालने के बाद में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा। अब पीछे जाना है, तो यहाँ पे देखिए जो आलसिल का प्लेट होता है पीछे PTO वाला, ये वाला जो है इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद में ये सापट बाहर आएगा, तब हमारा वो हाइड्रोलिक पंप बाहर आएगा। तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से हमने पहले ही खोल लिया था, तो यहाँ पे इसको निकाल लेना है, पीछे कर लेना है हल्का सा। उसके बाद में दोस्तों हाइड्रोलिक पंप को बाहर निकालेंगे अभी हम। यहाँ पे देखिए अभी हमारा हाइड्रोलिक पंप बाहर निकल जाएगा। ये जो खूंटी लगा रहे थे हमने पहले ही खोल लिया था यहाँ पे, तो ये हमारा पंप अभी बाहर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से हमको पंप को बाहर कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए केवल इसमें हम निकालने को बता रहे हैं दोस्तों कि पंप कैसे बाहर निकल सकता है। यहाँ पे आप देखिए सरक रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों ये हमारा हाइड्रोलिक पंप बाहर आ चुका है दोस्तों। इतना सामान खोलने के बाद में ये हमारा बाहर आ गया। दो बोल्ट इधर, दो इधर, एक सापट पीछे निकालना पड़ेगा, और ये वाला सापट। तो ये हमारा निकल चुका दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।